देखा सोची कैसा टाइट शेड्यूल बनाता है, तेरे लिए टाइम ही नहीं बचता बापूदरा के पास, कैसे ध्यान रखेगा तेरा। बापूदरा जी आप सुशीला बहन की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं हूँ इनके पास, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए और अपना काम निपटाइए बस। अरे वाह सुशी, मतलब रमेश बापूदरा का पिए, नीलिमा तेरी पिए है? पिए नहीं है, वो मेरी बेनपणी है। चलो चलो सेठ जी, और भी मीटिंग्स हैं आज, वो रास्ते में बताता हूँ आपको। नहीं करना है रास्ता, चैन से नाश्ता भी नहीं करने देता, चल निकल अभी रास्ते पे। तेरा पति है ना सच में आतंकवादी है, टाइम टेबल दिखा दिखा के आतंक फैलाता है, इसका नाम रमेश नहीं टीटी रखना चाहिए। हाँ? टीटी टाइम टेबल, चल आप भी चुप मत बैठ। संगीता ताई। अरे पुष्पा जी आइए आइए। ताई ये क्या है पुष्पा जी? मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? अचानक ये सब? बात क्या है पुष्पा जी? अभी क्या बोलूं मैं आपको, इस समय बहुत कुछ चल रहा है दही, घर भी बिखरा पड़ा है, दिल और दिमाग भी, कोई नहीं संभाल पा रही हूं मोहल्ला, तो मैं क्या ही संभालूंगी। पुष्पा जी उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आते ही रहते हैं, आपने कम मुसीबतें देखी हैं क्या? इस तरह भागने से क्या होगा? देखिए हम सबको कभी ना कभी इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, कुछ टाइम का ब्रेक ले लीजिए, जब दिमाग शांत हो जाए तो फिर काम पे लौट आइए। ऑफिस और काम की फिक्र बिल्कुल मत करिए, वो सब मैं संभालूंगी। मैं आपका ये इस्तीफा हरगिज एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये लीजिए। ताई आप ना, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, लीजिए। मैं एक काम करती हूँ, इसे अपने पास रख लेती हूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? मैं चलती हूँ, थैंक यू। हेलो संतोष बोल रहा हूँ, क्या खबर है? सर प्रकाश गोरके की फैमिली ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेन कर दी है, और मंगल ने पुलिस को यह भी स्टेटमेंट दिया है कि प्रकाश आग के टाइम साइन वाला रेस्टोरेंट के अंदर था, और पुलिस को शक है कि वो लाश शायद प्रकाश की भी हो सकती है। इसका मतलब मेरा शक सही था, दिलीप मरा नहीं है, वो भी जिंदा है, और मंगल ने जो स्टेटमेंट दिया उससे यही साबित होगा कि 99% वो लाश प्रकाश की ही थी। अच्छा ठीक है, तू मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना, मैं तुझे कॉल करता रहूँगा। अगर दिलीप जिंदा है तो है कहाँ? प्रार्थना, ये पतीला ऐसे कैसे रखा था? मैंने नहीं रखी भाभी, शायद मम्मी ने हड़बड़ी में रख दिया होगा। माँ कभी ऐसा इरेस्पॉन्सिबल काम करेगी ही नहीं, चाहे कितनी भी जल्दी में हो। तो मैं करूंगी क्या भाभी? आप मुझे इनडायरेक्टली सुना रही हैं? चल प्रार्थना, भाभी सिर्फ इतना कह रही है कि अगर पतीले को ढक के अंदर की तरफ रखा होता तो ऐसे गिरता नहीं, वेस्ट नहीं होता। अब तू भी भाभी की साइड ले रहा है? मैंने जब कहा कि मैंने नहीं रखा है तो आप दोनों क्यों मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे सुना रहे हो? इट्स ओके प्रार्थना, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, मुझे मॉम डैड के यहाँ जाना है, प्लीज आशी का ध्यान रखना,
पुष्पा बहन, मैं ये कह रही थी जो हुआ उसे भूल जाते हैं। गलती हो गई मुझसे, गलत समझा मैंने आपको। आप मुझे अपनी दोस्त और हमदर्दी समझिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं। मैं आपको हर तरह सपोर्ट करूंगी। थैंक यू। पुष्पा बहन, एक बात पूछनी थी आपसे। कुछ पता चला आपके पति जिंदा हैं या नहीं? वो मेरे पति नहीं थे रुक्मिणी जी, हमारा डाइवोर्स हो चुका था। सॉरी, आपके एक्स हस्बैंड के बारे में आपको कुछ पता चला? डीएनए टेस्ट भी पुष्टि नहीं कर पाया, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे जरा देर हो रही है। ये ऐसे कुछ भी नहीं बताएगी। डैड ने अपनी पहचान से बात फास्ट ट्रैक करवा दी है, कॉल कभी भी आ सकता है। वो दोनों कुत्ती है। कौन दोनों? वो सामने सामने। अच्छा इतनी पोटली, तू नाश्ता कर, उनको बाद में देखते हैं। बप्पा, प्लीज डैड को वापस भेज दीजिए ना। अगर आपने उन्हें जिंदा रखा है तो उन्हें लौटा दीजिए ना, प्लीज। हाय राशि, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? गुड। आप कब आए? कल रात ही आया। पुष्पा जी से बात हुई मेरी, जो कुछ भी हुआ पता है मुझे। सर, I'm so confused, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आओ, कम सिट, सिट। थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा, आई प्रॉमिस। बट अंटिल देन मेक श्योर के यू डोंट रश योर थॉट्स। अच्छा बाय द वे, मैंने सुना कि तुम पाटन चली गई थी ऑन फील्ड असाइनमेंट के लिए। हाँ, बहुत मजा आया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना वहां पे। फिलहाल राशि को उसी की उम्र के किसी कंधे की जरूरत है जो उसे समझ सके। और फिर यहां पर आई, सबको सरप्राइज देने आई थी, खुद शौक में चली गई। राशि बहुत बड़े सदमे में है विक्रम, बेचारी एकदम मुरझा गई। आई नो, उसी का मन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। डोंट वरी, शी'ल बी फाइन। इससे क्या हुआ? लाओ ये खिलौना मुझे। तो खिलौना? हाँ ठीक है, लेके देखिए। अच्छा, जा जा। अरे बाबा, अरे बाबा, आपको पता है चौल में ना सिर्फ चार पांच लोग हैं जिसकी गोदी में ये जाता है, अदरवाइज तो सबके पास जाते बस रोना शुरू। बंदा इंटेलिजेंट है, चॉइस तो ऊंची होगी ना इसकी। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए ना, 5 मिनट इसे संभालिए, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। ये खिलौना भी रखिए। अरे सॉरी, ओए हीरो, तुम्हारी मम्मी ने तो चांस पे डांस कर लिया यार। अब तुम मेरे साथ है। ए? ए? हाय, ओए, ओए।
इसे यहाँ मत रखो। तुम्हारी आई भगवान जी के पास गई है ना? मेरे डैड का अभी तक कुछ पता नहीं है। तुम्हें यकीन है, लेकिन मैं अभी भी सच्चाई और शक के बीच में झूल रही हूँ। मैं मेरी आई को बोलूंगी भगवान जी को पूछने के लिए आपके डैड के बारे में। अब रोना मत राशि दीदी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।